हाय, मैं हूँ मनु सिंह। आज मैं बताने जा रही हूँ मेथी के पकौड़े कैसे बनते हैं। सर्दियों में लोगों को ऑयली स्पाइसी खाने का मन होता है। इस मौसम में मेथी खूब मिलती है और फायदे भी बहुत करती है। इसके साथ लोग आलू की सूखी सब्जी बनाते हैं तो कुछ मेथी के गर्मा गर्म पराठे भी पसंद करते हैं। एक और डिश काफ़ी पसंद की जाती है, वो है मेथी के पकौड़े। आप सिर्फ मेथी और बेसन के पकौड़े बना सकते हैं और चाहे तो उसमें पत्ता गोभी भी मिला सकते हैं। ये टेस्टी पकौड़े आप चाय के साथ सुबह शाम खा सकते हैं। अच्छी बात यह है कि इसके लिए ज़्यादा तामझाम की ज़रूरत नहीं है, सारी सामग्री आपको घर पर ही मिल जाएगी। आपको चाहिए बेसन, कटी हुई मेथी, कटा हुआ धनिया, बारीक कटी हरी मिर्च, एक कप कटा हुआ पत्ता गोभी, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा चावल का आटा, स्वाद अनुसार नमक, हल्दी, सरसों का तेल। मेथी के पकौड़े बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में बेसन लीजिए। एक कप बेसन में चौथाई कप बारीक कटा पत्ता गोभी, 3/4 कप कटी मेथी, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा चावल का आटा मिलाइए। इसके बाद पानी को डालकर बेसन का पेस्ट बनाइए। इसमें 1 चम्मच गरम तेल मिला लें। ध्यान रखें पेस्ट ज़्यादा पतला ना हो। कढ़ाई में तेल गर्म होने रख दीजिए। तब तक मिक्सर को अच्छी तरह मिला लीजिए। तेल गर्म हो जाए तो उसमें पकौड़े तल लें। आपकी गर्मा गर्म टेस्टी पकौड़ियाँ तैयार हैं। प्लेट में सर्व कीजिए और खाइए आनंद के साथ। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।